नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपकी एक फरमाइश फिर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश के मौसम में क्या करें, क्या ना करें, कौन सी सब्जी खाएं, कौन सा फल खाएं, किस बात का ध्यान रखें ताकि आप जो है ना ही बीमार पड़े और ना ही किसी समस्या में आप फंसे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही बरसात आती है तो बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, टाइफाइड, त्वचा रोग, पीलिया रोग, जैसे बहुत सारी बीमारी लेकर आती है। तो इन सब से बचने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकांश तक लोग जानते तो हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। इसे ज़रूर ध्यान दें दोस्तों, स्वस्थ रहें, यही मेरा उपदेश है। तो आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि क्या करना। हमेशा ताज़े और स्वच्छ सब्जी और फल का सेवन करें दोस्तों। फल खाना है तो धो के खाएं, सब्जियाँ अच्छे से धोकर उसके बनाएं। ध्यान रहे, खाने के पहले फल और सब्जी अच्छी तरह से स्वच्छ पानी से धो लें, खासकर हरी और पत्तेदार सब्जियाँ। बासी भोजन, पहले से कटे हुए फल तथा दूषित भोजन का सेवन ना करें। हमेशा ताज़ा गर्म खाना खाएं। इस मौसम में सब्जी फल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ताज़ा फल या सब्जी का प्रयोग करें। इन दिनों में हमारी पाचन शक्ति सबसे कम होती है, इसलिए ज़रूरी है कि अधिक तला भुना भोजन ना खाएं, बल्कि ऐसा भोजन खाएं जो आसानी से पच जाए। जब भूख लगे तब ही, और जितनी भूख हो उतना ही खाएं। ज़्यादा ठंडा खट्टा ना खाएं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, चटनी, पापड़ कम खाएं, क्योंकि इस मौसम में शरीर में जो है वाटर वाटर जो है वो जो है कम ज़्यादा होते रहता है, तो इसको जो है मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, साफ और अच्छा पानी पिएं, और शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। बाहर का खाना ना खाएं दोस्तों, क्योंकि बाहर में कोई सफाई रखेगा नहीं। आप जैसे ही बाहर जाएंगे देख लीजिएगा, आप कहीं मक्खी बैठी है तो कभी कुछ बैठा है, उनको बाहर में जो बेचने वाले हैं उन लोगों को तो सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होता है, आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है। आपने पैसा दिया, खा के चले गए, अब आप कुछ भी हो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए दोस्तों, और क्या सावधानी रखनी है वो भी बता देता हूँ। बाहर का सड़क के किनारे मिलने वाले होटल के आजू बाजू की कोई भी चीज़ ना खाएं। बहुत बड़ा होटल हो, जैसे कि 5 स्टार होटल हो, वहाँ खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो एकदम जो है साफ़ सफाई रहती है, हर आधे घंटे में जो है साफ़ सफाई होते रहती है। तो ऐसे बड़े होटल में अगर आप खा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर अगर ऐसे छोटे होटल में खा रहे हैं जहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही है, वहाँ पे ना खाएं, नहीं तो आपको उल्टी, जुकाम, गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। चाइनीज़ फूड बिल्कुल सेवन ना करें। चाइनीज़ फूड जो सड़क के किनारे बेचते हैं, भेल पूरी और जो है गोलगप्पा, इस तरह का बिल्कुल भी आप सेवन ना करें, ख़ास तौर से बरसात के मौसम में। हमेशा स्वच्छ पानी पिएं। वर्षा ऋतु में हवा से अधिक नमी होने के कारण शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती और साथ ही पसीना भी ज़्यादा आता है। ऐसे में ज़रूरी है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहे, भरपूर पानी का सेवन करें। हमेशा उबाल कर ठंडा किया हुआ या फिल्टर किए हुए स्वच्छ पानी का सेवन करें। कम से कम 15 मिनट तक पानी को अवश्य उबालें, उसके बाद उसे ठंडा करके पिए। ठंडे पेय पीने की बजाय तुलसी, इलायची की चाय या थोड़ा सा गर्म पानी पीना ज़्यादा फायदेमंद है। बारिश से बचाओ, हर किसी को बारिश में भीगना पसंद है, पर बारिश में ज़्यादा देर तक भीगने से सर्दी, खांसी और जुकाम, बुखार हो सकता है। बारिश में भीगने पर ज़्यादा देर तक बालों को गीला ना रखें। अगर आपको अस्थमा है या फिर आपको जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है तो बारिश में ना भीगे। बारिश से बचने के लिए छाता, रेनकोट का इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े, जूते, चप्पल गीले हो जाने पर तुरंत
बदल दें, ज़्यादा समय तक गीले कपड़े पहनने से फंगस इत्यादि त्वचा रोग हो सकता है। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीज़ को विशेष रूप से अपने पैरों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पैर गीले होने पर तुरंत उन्हें साफ़ कर देना चाहिए। बुज़ुर्गों की देखभाल, बदलते मौसम में बुज़ुर्गों के बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ज़रूरी है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। बुज़ुर्ग बारिश में ज़्यादा बाहर ना निकले, गर्म चाय, कॉफ़ी या सूप पिए, ज़्यादा कच्चे फल या सलाद ना खाएं। खाने में हल्दी, इलायची, सौंफ, दालचीनी का इस्तेमाल करें, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और क्या सावधानी रखनी है वो भी बता देता हूँ। रात्रि में सोने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने घर के आसपास गंदगी ना होने दें, घर के आसपास के गड्ढों को भर दें, जिससे बारिश का पानी रुककर सड़ने ना पाए, इससे मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। घर की अच्छी तरह फिनाइल से सफाई करनी चाहिए, मक्खियाँ ना आए, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों को बारिश से पूर्व ही टाइपोडी और हेपेटाइटिस के वैक्सीन लगा दें। अपनी नियमित चल रही दवाओं का अधिक खुराक जमा लें, ताकि बारिश की वजह से बाहर ना जा सके पर दवाई में कोई गैप ना पड़े। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी आपकी जो है आपको डॉक्टर ने खाने के लिए दवा दी हुई है, जैसे आपके अगर हर 15 दिन की दवाई है तो ऐसा है कि आप 15 दिन की दवाई ला के रख लें, ताकि इन केस अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप जा नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है जो आपके पास बारिश है उसको जो है आप बारिश में जो है आपको भीगना ना पड़े, और जो दवाई है उसको आप जो है लेते रहें और गैप ना बने, जिससे आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। किसी भी रोग की शंका होने पर डॉक्टर्स के पास जाएं, उपचार से बचाव बेहतर है। इस नियम का पालन वर्षा ऋतु में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बारिश के मौसम में क्या क्या खाने से परहेज करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। चने की दाल, मोठ, उड़द, मटर, मसूर, मक्का, आलू, कटहल जैसी भारी और गैस बनाने वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। रूखा और बासी खाना भी ना खाएं। पत्तेदार सब्जियों के साथ दही का इस्तेमाल ना करें। रात के वक्त दही या छाछ ना पिएं। जैसे मुरब्बा, अचार, कलौंजी से बचें। दिन के समय सोना नहीं चाहिए और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। बारिश का मौसम जब ख़त्म होने को हो तो तेज़ मसाले वाली चीज़, बेसन के पकौड़ी, तली हुई खट्टी और गर्म तासीर वाला खान पान ना करें। बारिश के मौसम में क्या खाएं? हाँ दोस्तों, ये भी है कि अब जब इतनी चीज़ें नहीं खानी तो फिर खाएंगे क्या? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या खाना है। ऐसा खाना खाएं जो आराम से पच जाए। गर्म खाना खाएं। सब्जियों में तोरी, लौकी, टमाटर, भिंडी, प्याज, पुदीना ले सकते हैं आप। फलों में अनार, सेब, केला, आड़ू आदि खाइए। खाने में जो है वो गेहूँ, चावल, जौ, मूंग की दाल, खिचड़ी, सरसों, दही, लस्सी ले सकते हैं आप। खाने में काली मिर्च, धनिया, अदरक, हींग वगैरह डालें। अगर चौलाई मिले तो ज़रूर खाएं। इस मौसम में इसे खाना खास तौर पर पेट के लिए अच्छा रहता है। बरसात में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका हाजमा कमज़ोर नहीं होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी। तो जब पेट में गैस नहीं बनेगी तो जो है आपका खाना आसानी से हजम हो जाएगा, और जब आपका पेट ठीक रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपका पेट ठीक है तो
तो पूरा शरीर स्वस्थ है, तो इसलिए सबसे पहले आपका पेट सही होना चाहिए। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया इसको ज़रूर ध्यान रखें, और बरसात के मौसम में ख़ास तौर से जहाँ पानी भरा हो तो बच्चों को अकेले न जाने दें, खुद जाएं, और ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को बरसात में पानी में जो है खेलने ना दें, क्योंकि वो खेलेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, बच्चों को बारिश के मौसम से बचाएं, खुद भी बचें। और दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।